गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट कंटिन्यू दिस चैप्टर. बेटा, टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, द चैप्टर थर्ड, डिस्कवरिंग टट. आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. और चैप्टर का नेम क्या है? थर्ड चैप्टर है हॉर्नबिल का, डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज. दिस इज़ द लास्ट पार्ट, लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. वट वी आर रीडिंग इन दिस वन? इन दिस वन वी आर रीडिंग रिगार्डिंग तूतेन खामेन, किंग टट. टट किंग ऑफ इजिप्ट, ठीक है, किंग टट, एंड ही इज़ द किंग ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट का लास्ट फेरो ने कंसिडर किया जाता है. हिज मम्मी वॉज डिस्कवर्ड बाई कार्टर इन 1922 एंड लेटर इन 2005 हिज मम्मी वॉज सिटी स्कैन. उसकी मम्मी को क्या किया गया? सिटी स्कैन किया गया. तो यहाँ पे वही आज हम जो पढ़ने वाले वही हैं कि सिटी स्कैनिंग की प्रोसीजर कैसे हुई. इससे पहले हमारे कई लेक्चर हो चुके हैं एंड यू विल वॉच दोज. नथिंग इज़ गिवन इन दैट, नथिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी. एंड वट इज़ गिवन इन दैट, देर इज़ अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स विच वर बरीड विद टट्स मम्मी. टट की मम्मी के साथ कौन कौन सी चीज़ें बरी थी. देन लेटर एक्सरे वॉज डन एंड सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स वर रिवील्ड. एंड इन द आफ्टर डिस्कवरी ऑल्सो कार्टर फेस द प्रॉब्लम. एंड वट वॉज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ही वॉज नॉट एबल टू सेपरेट इट फ्रॉम द कोफीन, कि वो इसे कोफीन से सेपरेट नहीं कर पा रहा था. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और आज हम करेंगे यहाँ से द नाइट ऑफ द स्कैन. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन इज बॉक्स. स्कैनिंग वाली रात को जो वर्कमैन थे, वर्कर्स थे, उन्होंने टट को उसकी टॉम से उठाया, उसके बॉक्स में, कोफीन से. लाइक पॉल बियरस, पॉल बियरस होते द पर्सन हु कैरिड द कोफीन, जो कोफीन को लेके चलते हैं, ठीक है. पॉल बियरस के जैसे दे क्लाइम्ब द रैंप, वो रैंप के ऊपर चढ़े. रैंप सबको पता ही है, स्लोप को बोलते हैं, स्लैम्प पे ऊपर की तरफ चढ़े. एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन टू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड. उसके बाद जो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, अ लॉट ऑफ स्टेयर्स है, जो वॉकिंग स्टेयर्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. स्टेयर्स से वो ऊपर जो है वो स्विरलिंग करते हुए सैंड में बाहर चले गए, स्विरलिंग, सर्कलिंग. देन रोज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इन टू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. फिर वहाँ पे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कि ट्रेलर के अंदर थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट ट्रेलर में, इन टू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, ठीक है, ट्रेलर के अंदर थी. और उस लिफ्ट के अंदर क्या था? स्कैनर था, ठीक है, स्कैनर, सीटी स्कैनिंग मशीन. 20 मिनट्स लेटर टू मैन अमर्ज्ड. अमर्ज्ड होता है कम आउट, इट मीन्स दे टुक हिम देयर, वो उसे वहाँ लेके चले गए. एंड देन लेटर फॉर 20 मिनट्स नथिंग हैपन्ड. आफ्टर 20 मिनट्स टू पर्सन केम आउट, दो आदमी बाहर निकल के आए. एंड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय. स्प्रिंटेड का मतलब होता है रन. स्प्रिंटेड का मीनिंग क्या होता है? रन, भागना. और फिर वो किसकी तरफ भाग के गए? वो बाहर साथ में ही ऑफिस था, उसकी तरफ भाग के गए. एंड रिटर्न्ड विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस. और उसके बाद वो वापस आए, किसके साथ वापस आए? वाइट प्लास्टिक फैंस के साथ. द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट. क्यों? क्योंकि जो इतना स्कैनर था वो क्या हो गया था? बंद हो गया था. क्विट का मतलब स्टॉप, बंद हो जाना. अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, सॉरी बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. किस कारण से बंद हो गया था? जो कूलर फैन था उसका, उसके अंदर क्या घुस गया था? रेत घुस गया था. कर्स ऑफ फेरो जोगडा गार्ड नर्वसली. एक गार्ड थोड़ा सा नर्वस होके कहता है कि भाई कर्स ऑफ फेरो की दिस थिंग हैपन्ड बिकॉज ऑफ ए कर्स ऑफ फेरो. कर्स ऑफ फेरो इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू, बेटा स्टार्टिंग में बताया था कि कर्स ऑफ फेरो का मतलब क्या है. डेथ या मिस फॉर्चून उस बंदे के साथ जिसने कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उसे कर्सो फेरो बोलते हैं, कि राजाओं का अभिशाप. गॉट इट? देखिए क्या हुआ स्कैनिंग वाली रात को. नथिंग स्पेशल. पॉल बियरर्स टुक हिज कोफीन एंड दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड रीच्ड टू दैट स्कैनर. एंड लेटर आफ्टर 20 मिनट्स दैट मशीन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज सेंट इन अ कूलर फैन. But they were thinking that this happened because of sand. But the guard was thinking in another manner. He said that this particular incident happened because of the curse of a pharaoh. Pharaoh ke curse ke karan aisa hua. Aage suniye. Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. Halaki jo substitute fan aaye,
जो दूसरे उसको रिप्लेस कहें हम, रिप्लेसिंग फ़ैन, जो रिप्लेस करने के लिए फ़ैन लाए गए वो अच्छे से काम कर रहे थे, सारा प्रोसीजर फिनिश हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, ये चेक करने के बाद कोई डाटा गुम नहीं हुआ है, द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, जो टेक्नीशियन थे उन्होंने टट को किसको दे दिया, वर्कमैन को हैंड ओवर कर दिया, जो वर्कमैन उसे लेके आए थे, वो कैरिड हिम बैक टू हिज स्टॉम, वापस स्टॉम की तरफ ले गए, एंड लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कोफिन द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फन प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, 3 घंटे से कम ही समय में वो वापस उसे उसके कोफिन से निकाले हुए वो फेरो दोबारा से वहाँ पे उस जगह पे पहुँच गया था शांति से रेस्ट करने के लिए, जहाँ पे कि जो फनरेरी प्रिस्ट थे जब उसकी डेथ हुई थी, जब उन्होंने दफनाया था, मीन्स अगेन ही वॉज इन हिज टॉम, दोबारा से वो कहाँ पहुँच गया, अपने टॉम में, स्कैनिंग के बाद ऑल द थिंग्स वर डन इन वेरी वेल मैनर, नथिंग हैपन्ड, कुछ ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप अस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ट्रेलर पे वापस आके जो टेक्नीशियन था उसने देखी बड़ी सरप्राइजिंग इमेजेस टट की कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड अ ग्रे हैड टुक शेप फॉर्म अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्चर्स, भाई अलग अलग शेप की साइज की छोटी छोटी पिक्चर्स उनसे मिलके और उसके ग्रे कलर के हेड की शेप बन रही थी, एंड द टेक्नीशियन स्पन, जो टेक्नीशियन था वो स्पन कर किया उसने, ठीक है, स्पन का मतलब होता है टर्नड बेटा, स्पन का मतलब क्या होता है टर्नड, और मेड भी कह देते हैं स्पिनिंग करना, बनाना, ठीक है, बुनना भी बोल देते हैं, अच्छा उसने स्पन बनाई, वो टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, बनाने के बाद उन्हें हर एक डायरेक्शन में टर्नड किया, पलट पलट के देखा, अच्छा क्या देखा, नेक वर्टिबर अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमिक क्लास, मतलब क्लियर पिक्चर्स इतनी क्लियरली विजिबल थी, नेक वर्टिबर थी ना वो, तो नेक बोन, वर्टिबर बोन, नेक बोन वॉज अपियरिंग जस्ट लाइक अपियर इन एनाटॉमी क्लास, एनाटॉमी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी की स्टडी की जाए, ठीक है, जितना क्लियर वहाँ पे होता है इतना क्लियर लग रहा था, अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, उसके बाद दूसरी इमेजेस भी वहाँ पे रिवील हुई, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस, और रिब केस के भी बहुत सारे व्यूज वहाँ पे अपीयर हो रहे थे, एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, ट्रांसेक्शन वहाँ पे हम कहें कि भी अपीयरेंस, वहाँ पे एक स्कल जो है उसकी भी ऐसे शेप जो है वो बन रही थी, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब प्रेशर ख़त्म हो गया था, भाई प्रेशर क्या था, यू नो कर्स ऑफ फेरो, पिक्चर वुड बी कैप्चर्ड और नॉट, एन मिस हैपनिंग कुड बी देयर, सो देवर हैविंग दीज डाउट्स, उन्हें ये डाउट था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सो देवर फीलिंग रिलैक्स, अब वो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे थे, सीटिंग बैक इन चेयर, अपनी चेयर पे वापस बैठ के, जाही हवा सस्ता है, विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गोन सीरियसली रॉन्ग, बिल्कुल रिलीफ फील करता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, आई डिडंट स्लिप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, वो कहता है मैं एक सेकेंड के लिए भी लास्ट नाइट जो है रात को नहीं सोया, एंड आई वॉज सो वरिड, मैं बहुत टेंशन में था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब जो है वो सो सकता हूँ, जा सकता हूँ और सो सकता हूँ, बिकॉज हिज वर्क वॉज फिनिश्ड, उसका काम क्या हो गया था, फिनिश हो गया था। आगे देखिए, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, राइटर कहता है कि उसके बाद हम ट्रेलर से निकल गए, एंड द डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, हम मेटल स्टेयर से नीचे की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग गो डाउन टू द सैंडी ग्राउंड, ठीक है, रेत वाले ग्राउंड की तरफ जाते हैं, विंड हैड स्टॉप्ड, हवा बंद हो चुकी है, विंटर एयर ले कोल्ड, अब ठंड होनी शुरू हो गई है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, एंड स्टिल लाइक डेथ इट्सेल्फ, वो ठंड इतनी ज़्यादा बिल्कुल मौत की जैसी स्टिलनेस वहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, जैसे मौत पे स्टिलनेस होती है, देर वुड बी नो नॉइज इन द सेम मैनर देर वॉज नो नॉइज इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड डेड पर्सन, मरे हुए की उस वैली में कोई भी आवाज़ नहीं थी, देर वॉज कम्प्लीट स्टिलनेस जस्ट अबाउ द एंट्रेंस ऑफ टट टॉम, टट की जो टॉम थी उसके बिल्कुल एंट्रेंस पे स्टूड ओरियन, अच्छा ओरियन खड़ा है, अब ओरियन क्या, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, वो कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप है स्टार्स का, जो ये समझते हैं कि जो एंशिएंट इजिप्शियन थे उसे क्या समझते थे, ओसिरिस की आत्मा, ठीक है, ओसिरिस की आत्मा एज द सोल ऑफ ओसिरिस, अच्छा ओसिरिस कौन, ओसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मरने वालों के बाद का जो भगवान होता है, मरे हुए लोगों का जो भगवान होता है उसको बोलते हैं, उसे उसका नाम है ओसिरिस, एंड ही इज वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, ओरियन वहाँ पे उसकी टॉम पे खड़ा होकर उसे ऊपर से देख रहा है।
ठीक है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा जो रिलीजियस टच है वो भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, कंजर्वेटिव थिंकिंग रिलीजियस टच कि कैसे वो बिल्कुल जो है वो रिलीजियस मैनर में सोच रहे हैं। बहुत ही मिस्टीरियस सी सिचुएशन है, दे कंसिडर देर इज़ आल्सो गॉड आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी वहाँ पे एक देवता है और वो देवता कौन है, ऑसिरिस, और उसी की आत्मा उन सब की क्या करती हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करती हैं, उन सब का ख्याल रखती हैं। दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ इजिप्शियंस, ये थिंकिंग है किन की, इजिप्शियंस की, ठीक है। इस तरह से फिनिश, क्योंकि पूरा प्रोसीजर स्कैनिंग के रिगार्डिंग है, स्कैनिंग ख़त्म हुई तो आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने इसके क्वेश्चंस किए थे, एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता देती हूँ, इसमें क्वेश्चंस में क्या है, किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। देखो इसमें रीजंस बताने हैं आपने, वाई के आंसर देने हैं कि भी ऐसा क्यों हुआ भाई। किंग टट की बॉडी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, उसकी बॉडी का बार बार स्क्रूटनी की जा रही है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ऐसा क्यों, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो द आंसर ऑफ टू क्वेश्चन, क्योंकि दो क्वेश्चन के वो आंसर जानना चाहते थे। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ किंग टट डाइड, वट इज़ द कोज ऑफ हिज डेथ, दे वॉन्टेड टू नो द कोज ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ का जो है वो रीज़न जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं। बिसाइड दैट वट वॉज द एज ऑफ किंग टट एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, देर वॉज अ मिस्ट्री रिगार्डिंग हिज डेथ, दे वॉन्ट टू सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द डेथ, दैट्स वाई इट इज़ द स्क्रूटनी वॉज डन अगेन एंड अगेन, भाई उस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए बार बार स्क्रूटनी की जा रही है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड, हावर्ड कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसे क्रिटिसाइज क्यों किया गया, हमने पढ़ा था चैप्टर में, क्योंकि उसने पूरी मम्मी को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, चीसल अवे करके उसको डैमेज कर दिया था, डैमेज, डिस्ट्रॉय के बजाय आप क्या कहेंगे, ही डैमेज्ड द डेड बॉडी को डैमेज कर दिया। कार्टर हैड टू चीसल अवे, क्यों करना पड़ा उसे चीसल अवे, देखो डैमेज क्यों किया, देर वॉज द प्रॉब्लम, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सेपरेट द मम्मी फ्रॉम द कोफिन, रिचुअल रेजिन वॉज हार्डन, क्योंकि जो रेजिन था वो क्या हो गया था, हार्ड हो गया था, दैट्स वाई ही हैड टू चीसल अवे, उसे चीसल अवे करनी पड़ी। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बड़े ईजी से हैं बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो आप भेज देना, ये सारे जो हैं मैंने आपको क्वेश्चन वैसे भेज दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कहीं पर डाउट हो तो प्लीज़ सेंड एट माई पर्सनल नंबर, यू कैन सेंड द मैसेज, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर, ओके। अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को कर नहीं रही, आप पढ़ के देख लेंगे, खुद से निकाल के देखेंगे क्वेश्चंस को, एंड आई होप यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।